नमस्ते दोस्तों, मैं मनोज कुमार जिन्हा डिफेंस मास्टर में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज है 7 अगस्त, क्या है अगस्त 2021, और इंडिया के यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का रैंक कितना है, 47 है। और इंडिया का क्या हो गया, टोटल गोल्ड कितना हो गया, 7 नंबर ऑफ मेडल कितना है, 7, उसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। देखिए सबसे ऊपर कौन है, चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट, फिर जापान, फिर रशिया, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे इन लोग का मेडल टैली क्या है। इंडिया का अगर हिस्ट्री देखें, इंडिया का यानी कि हिस्ट्री आज तक, ठीक है, आज तक यानी कि ओलंपिक जब से शुरू हुआ था 1896 से लेकर हम लोग का 2021, यानी कि आज तक कितना हो गया, 125 ईयर में से, ओके। इंडिया का टोटल मेडल आपको कितना है, आप हैरान हो जाएंगे जान के इंडिया का मेडल कितना है, सिर्फ 35। कितना है टोटल मेडल, सिर्फ 35। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इंडिया का टोटल मेडल का टेबल, सिर्फ 35 मेडल। उसमें भी कि हम लोग का गोल्ड कितना है, हम लोग का गोल्ड है 10। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का गोल्ड का टोटल मेडल कितना है, 10। सिल्वर का कितना हो गया, सिल्वर का हो गया हम लोग के पास, सिल्वर का है हम लोग के पास 9 और ब्रॉन्ज में है हम लोग का 16। क्या है, सिल्वर में हम लोग के पास है 9 और ब्रॉन्ज में हम लोग का मेडल है 16। टोटल मिला के हो गया 35। टोटल मिला के कितना हो गया मेडल हम लोग के पास, 35। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा मेडल कौन दिलाया, हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम, जो कि सबसे हाईएस्ट मेडल यानी कि 8 कितना, 8 गोल्ड मेडल दिलाया है, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। और एथलीट्स का देखें, ठीक है, एथलीट्स का देखें तो नीरज आज जो बने, ठीक है, नीरज चोपड़ा, वो सिर्फ अकेले एथलीट ऐसे बन गए जो कि गोल्ड, इंडिया को गोल्ड दिला सके। इसके पहले जो नॉर्मन पिचर थे जो कि 2 हम लोग को सिल्वर दिलाए थे, उसके बारे में जानेंगे। तो उसके बाद है हम लोग का शूटिंग में हमको एक मिल चुका था जो कि 2008 में हम लोग को बेजिंग ओलंपिक्स में मिला था। ये कौन दिलाए थे, ये हम लोग को दिलाए थे अभिनव बिंद्रा। कौन दिलाए थे, अभिनव बिंद्रा। तो देख लिए हम लोग का टोटल मेडल है 35, जो कि एक एक कंट्री जीत रहा है कि 35 मेडल गोल्ड में जीत रहा है, लेकिन हम लोग का टोटल मेडल देख सकते हैं आप कितना है, 35। यानी कि हम लोग को और प्रोग्रेस, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिया का जो ओलंपिक, यानी कि 1896 तो ओलंपिक स्टार्ट हो गया था देश में, जो कि कहाँ पर हुआ था, ग्रीस में हुआ था। लेकिन इंडिया का, ओके, इंडिया का जो ओलंपिक, यानी कि इंडिया उस टाइम में क्या था, इंडो यानी प्री इंडिपेंडेंस था, यानी कि ब्रिटिश के अंदर था। तो ब्रिटिश इंडिया जब था, ये यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया जब था, यहाँ पे 1900 पहले हम लोग क्वालिफाई किए थे किसके लिए, ओलंपिक के लिए, और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके हम अपना पहला सिल्वर मेडल जीते थे, 2 सिल्वर मेडल। क्या जीते थे, 2 सिल्वर मेडल जीते थे। कौन देख सकते हैं यहाँ पे, ये था वो मेडल, पहला मेडल क्या था, एथलेट में हम जो लोग जीते थे। उसके बाद कैसे कैसे करके 200 मीटर हर्डल्स था, क्या था, 200 मीटर हर्डल्स और 200 मीटर का रेस था, इन दोनों इवेंट में हम लोग को सिल्वर मिला था, ठीक है। वो किस में, 1900 में, ठीक है। ये कौन दिलाए थे, ये एक्चुअली दिलाए थे हम लोग को नॉर्मन रिचर्ड। ये जो थे एक्चुअली इंडो ब्रिटिश थे, कौन, ब्रिटिश इंडियन थे, ब्रिटिश इंडियन एथलीट थे जो कि हम लोग को जिताए थे। क्योंकि उस टाइम पे जो था, यहाँ पे लोगो आप देख सकते हैं, उस टाइम पे जो था इंडिया किसके अंडर था, ब्रिटिश के अंडर था, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट करके हम अपना पहना इंडियन गोल्ड मेडल हम कब जीते थे, इंडियन गोल्ड मेडल, इंडिया का इंडियन गोल्ड मेडल इंडिया जीता था 1928 तब, 1928 में जाके हम अपना पहला इंडियन गोल्ड मेडल हम लोग जीत पाए थे, वो भी किस में, हॉकी में। किस में जीते थे हम, हॉकी में जीते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉकी की ये टीम है, 1928 में जाके हम हॉकी का मैच जीते। उसके बाद सीधा हम अगर देखें तो हॉकी का लास्ट जो मैच था वो था 1980, यानी कि इंडियन हॉकी टीम ओन देयर लास्ट रिकॉर्ड, यानी कि 8 जो कि 8 गोल्ड मेडल जो जीता था वो 1980 में जाके अपना लास्ट गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद सीधा 2021 अगर देखें तो इसी बीच में, यानी कि 41 के ईयर के बीच में इंडिया कोई भी मेडल नहीं दे सकता। इसका मैं जो वीडियो प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूँ वो भी आप देख सकते हैं।
तो यानी कि 40 ईयर्स तक, 41 ईयर्स तक इंडिया हॉकी में, उसमें और किसी में तो जीत रहा है लेकिन हॉकी में कोई भी मेडल जीत नहीं पाया था, सिंगल सिल्वर ब्रॉन्ज भी नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 8 गोल्ड मेडल हो गया। उसके बाद 9th गोल्ड मेडल हम लोग का कब आया? 9th गोल्ड मेडल सीधा आया 2008 बीजिंग ओलंपिक, जो कि कौन दिलाए थे? अभिनव बिंद्रा। कौन दिलाए थे? अभिनव बिंद्रा। क्वीन इन एंड गोल्ड मेडल मेंस इन 10 मीटर पिस्टल इवेंट। कौन सा इवेंट था? 10 मीटर का, ओके, पिस्टल राइफल का इवेंट था, जो कि शूटिंग था। उसके बाद बिजेंद्र सिंह। कौन? बिजेंद्र सिंह, जो कि ऐसा बॉक्सर बन गए जो कि इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाए थे। बिजेंद्र सिंह ऐसे बॉक्सर बन गए जो कि इंडिया को पहला बॉक्सिंग में मेन में मिडवेट कैटेगरी में हम लोग को क्या दिलाए थे? ब्रॉन्ज मेडल दिलाए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन है? अभिनव बिंद्रा है। ओके, अभिनव बिंद्रा है, जो कि 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में हमको 9th, याद कर लीजिएगा इसको, 9th गोल्ड मेडल दिलाया था। उसके बाद सीधे आते हैं 2020 ओलंपिक्स में जाके हमको अपना 10th, क्या हमको अपना 10th गोल्ड मेडल मिला था? क्या मिला था हम लोग को? अपना 10th गोल्ड मेडल मिला था। आपको मैं पहले ही बोला था हम लोग का टोटल गोल्ड मेडल कितना है? 10 ठो है टोटल, उसमें से 9 ठो क्या है? सिल्वर है, और 16 ठो हो गया हम लोग का ब्रॉन्ज है। तो 10 में से नीरज चोपड़ा ऐसे एथलीट बन गए जो कि इंडिविजुअल एथलीट कैटेगरी में तो हम इंडिया को पहला गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, यानी कि इंडिविजुअल एथलीट कैटेगरी में इंडिया का पहला गोल्ड मेडलिस्ट बन गया। इनका नाम क्या है? नीरज चोपड़ा। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जर्नी 1996 से ओलंपिक से स्टार्ट हुआ, फिर हम क्या किए 1900 में हम लोग हिस्सा लेना स्टार्ट किए, फिर क्या गया हम लोग का कुछ गैपिंग आ गया। ठीक है, उसके बाद सीधा जाके हम लोग 2021 तक हम टोटल 35 मेडल ही जीत पाए, उसमें से 10 ठो क्या है? गोल्ड है, 9 ठो सिल्वर है, और 16 ठो क्या हो गया हम लोग का ब्रॉन्ज है। आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।